व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए हेल्थ के बारे में समझेंगे, उसके पहले डिस्कस कर रहे हैं बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। वो आपस में कैसे होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। कैसे? इफ किडनी इज नॉट वर्किंग, इफ किडनी इज नॉट वर्किंग व्हाट विल हैपन? अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो किडनी का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकना, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकना। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर नहीं जाएंगे, सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दे विल अक्यूमुलेट। टॉक्सिक सब्सटेंसेस विल अक्यूमुलेट इन बॉडी। अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे, है ना। जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो ब्रेन और किडनी कैसे कनेक्टेड हुए समझ रहे हो? डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर आपका खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, है ना। तो और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑल द एक्टिविटीज इन द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। फॉर द एक्टिविटीज वी नीड और वन नीड्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। क्या चीज चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है और रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वन नीड्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हमें एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम फूड। फूड इज वन नेसेसिटी, फूड जरूरत होती है। इट इज नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। सेल के काम करने के लिए, टिश्यू के काम करने के लिए फूड इज एसेंशियल, राइट। अच्छी हेल्थ और बुरी हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एंड इट्स फेलियर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले क्या फैक्टर्स हैं? क्या फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से अच्छी हेल्थ होती है बॉडी की, ठीक है। हाउ गुड हेल्थ इज अटेन्ड पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और हाउ दिस हेल्थ इज अफेक्टेड ये भी पढ़ेंगे इसमें। वन बाय वन टॉपिक ही लिखते हैं, लिस्ट नहीं करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है हेल्थ का? हेल्दी होना जरूरी क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। क्यों ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है? क्यों जानना जरूरी है अपनी हेल्थ के बारे में? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, हेल्थ वो अवस्था है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, है ना। सो बीइंग वेल का मतलब ठीक से काम करना, मींस बीइंग एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए ठीक से ध्यान लगा के पढ़ाई कर पाना, मेरे लिए ठीक से पढ़ा पाना, है ना, और किसी इंसान के लिए काम कर पाना। बीइंग वेल, बीइंग एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, या फिर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बॉडी बोल सकते हो आप। Effective functioning of body. Health is that state of being well enough to function well physically, mentally and socially. What is the significance of health? A healthy person is good. Like healthy person is more active. Right? काम कर पाता है अगर person healthy है तो. So economically, इकोनॉमिकली केपेबल या फिर सफिशियंट, ठीक है। अगर कोई पर्सन काम कर पा रहा है
कब काम कर पाएगा? जब वो हेल्दी होगा। हेल्दी नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए हेल्थ जो है वो जरूरी है। हेल्थ का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस लिखा है मैंने, सिग्निफिकेंस या फिर हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पर्सनल एंड पब्लिक या फिर कम्युनिटी इश्यूज के बारे में बात करते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज। हेल्थ अपने आप अचीव नहीं की जा सकती। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड एंटायरली ऑन आवर ओन, राइट? ऑन एंटायरली ऑन आवर ओन। इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट भी हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी अच्छी हेल्थ को या हमारी बुरी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एनवायरमेंट से हमारा क्या मतलब होता है? एनवायरमेंट से हमारा फिजिकल एनवायरमेंट की बात की जा रही होती है, फिजिकल एनवायरमेंट, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो सोशल एनवायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, जो इन चीज़ों को हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ये इंडिविजुअल हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका फिजिकल एनवायरमेंट, उसका सोशल एनवायरमेंट, राइट? नीड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? या फिर आप बोल लीजिए प्रॉपर नरिशमेंट इम्पॉर्टेंट है ना? प्रॉपर नरिशमेंट इम्पॉर्टेंट है। खाना कब मिलता है? जब कोई इकोनॉमिकली केपेबल हो, ठीक है? इकोनॉमिकली केपेबल हो, इट इज अर्नड बाय डूइंग वर्क। कैसे मिलता है? अर्नड बाय डूइंग वर्क, राइट? इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, इट इज अर्नड बाय डूइंग वर्क। सो वर्क, व्हेन देर आर गुड इकोनॉमिक कंडीशंस अवेलेबल एंड जॉब्स अवेलेबल, तभी फूड अचीव किया जा सकता है या अर्न किया जा सकता है, राइट? और एक हेल्दी पर्सन हेल्दी सोसाइटी बनाता है। एक इंसान को हैप्पी रहना होगा। वन पर्सन नीड्स टू बी हैप्पी टू बी इन अ गुड हेल्थ। सोशली उसका एनवायरमेंट उसको अगर नेगेटिव फील करा रहा है तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, है ना? सो अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इज वेरी एसेंशियल। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? किस लायक हैं, किस केपेबल हैं, क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं हम, बहुत सारी हाइट्स अचीव कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। दूसरे के कहने से हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। सो नीड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ इज फूड, राइट? एक चीज़ ये मैंने बोला, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो बेसिकली हेल्थ को अफेक्ट करने वाले चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल, एक पर्सन और उसकी कम्युनिटी, ये दोनों ही हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। राइट? हेल्दी और डिजीज फ्री की बात की जाए, हम किसी को हेल्दी कब कहेंगे और डिजीज फ्री कब कहेंगे? डिजीज शब्द का क्या मतलब होता है? डिस ईज या फिर डिस्टर्ब्ड ईज, बीइंग अ स्टेट ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल। बीइंग अनकंफर्टेबल डिजीज, डिस ईज, डिस्टर्ब्ड ईज और बीइंग अनकंफर्टेबल। हो सकता है एक इंसान को डिजीज ना हो फिर भी उसका हेल्थ पुअर हो, ठीक है? मतलब हेल्दी डज नॉट ऑलवेज मीन और आई विल राइट अनहेल्दी डज नॉट ऑलवेज मीन डिजीज्ड। हेल्दी का मतलब जरूरी नहीं होता है कि उसको बीमारी ही हो, है ना? हो सकता है उसे कोई बीमारी ना हो पर फिर भी वो हेल्दी नहीं है, तो उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। एक पर्सन पुअर हेल्थ में होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको डिजीज ही हो।
सो नॉट बीइंग डिजीज, बीमारी का ना होना हेल्दी के बराबर नहीं है. जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम कम्युनिटी सोसाइटी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसकी कम्युनिटी का भी असर उस पर पड़ता है. ठीक है. सो अभी मैं आपको हेल्दी वर्ड का मतलब बता रही थी. अब देखिए, डिजीज, प्रॉपर डिजीज के बारे में बात करेंगे. सो डिजीज के कॉज, डिजीज के कॉज क्या हो सकते हैं? कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है. उस इन्फेक्शियस एजेंट को पैथोजन कह सकते हैं, है ना? या फिर ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, और भी वजह से हो सकती है. नॉट इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है. तो बेसिकली पहले डिजीज के टाइप्स लिख देते हैं, फिर कारण लिख देते हैं, ना? दोनों लिख देती हूँ, एक सेकेंड. टाइप्स, सॉरी, माय मिस्टेक. टाइप्स, डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल. इन्फेक्शियस कैन बी और कैन स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, सॉरी, अनहेल्दी पर्सन और डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. एंड नॉन इन्फेक्शियस कैन नॉट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट. इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मेजर डिफरेंस यही होता है कि ये स्प्रेड हो सकती है और ये जो है स्प्रेड नहीं हो सकती. एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज अगर बोला जाए. इसका कारण होता है कॉज, कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट. किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कोई बीमारी होती है, उस इन्फेक्शियस एजेंट को पैथोजन कहते हैं. नॉट बाय इन्फेक्शियस एजेंट. ये और भी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो सकती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है. उसके अलावा जेनेटिक की वजह से कोई जेनेटिक्स कॉज हो सकते हैं, राइट? और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ना? इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल देर आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म्स, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स में आते हैं. ये सब इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन कहलाते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है, जो बॉडी में एंटर करते हैं और उनकी वजह से डिजीज हो सकती है. ठीक है. सो डिजीज को आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. डिजीज वन बाय वन में डिस्कस करती हूँ. टाइप्स मैंने आपको बता दिए, फैक्टर्स कॉजिंग डिजीज, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से डिजीज होती है, वो हो सकते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक मतलब बॉडी में इंटरनली, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगी, डिटेल्स में हमको जो डिजीज सिलेबस में वही पढ़नी है. हार्मोनल,
डिसऑर्डर बॉडी के खुद की कमी की वजह से हुआ, डायबिटीज, ड्वार्फिज्म, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, गोइटर हार्मोनल डिसऑर्डर है, देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शरीर के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ थी, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, उसके अलावा मैल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, गड़बड़ कर दी उसने, वो भी इंट्रिंसिक फैक्टर है, बॉडी की खुद की गलती की वजह से हुआ होगा। एलर्जी, एलर्जी किसी एलर्जन की वजह से होती है, लेकिन उसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, जब आपकी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स दे देती है किसी ऐसी चीज़ के प्रति जो एक्चुअल में आपको हार्म नहीं करने वाली है, ऑल्सो नोन एज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही परेशान टेंशन में आ गया ना, उसे कहते हैं एलर्जी। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में है पैथोजेंस, राइट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी पॉल्यूटेंट की वजह से हुआ है, राइट, ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं, बाहर के कारण जिनकी वजह से डिजीज हो सकती है। मूविंग ऑन, डिजीज को आप और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, सो दे कैन बी कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ, डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ उसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये जन्म से प्रेजेंट है, डिजीज दैट इज कॉन्जेनाइटल जन्म से प्रेजेंट होगी, और अगर जन्म से प्रेजेंट नहीं होगी, अक्वायर की जाएगी लाइफ टाइम में, सो उसे अक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ और ऑफ एन इंडिविजुअल। Acquired disease can be communicable or non-communicable. Communicable, infectious हो सकता है, non-communicable, non-infectious हो सकता है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी, जो किसी infection की वजह से नहीं हुआ है, किसी deficiency की वजह से हुआ है, degenerative हो सकता है, cancer है, asthma है, देखो अलग अलग बेसिस से कैटेगराइज कर रही हूँ ना मैं, पहले मैंने आपको बताया डिजीज के बारे में, ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस वजह से हुआ, देन राइट, देन हमने बात की फैक्टर्स विच आर कॉजिंग डिजीज कैन बी इंट्रिंसिक, अंदरी, अंदरूनी और बाहरी, एक्सट्रिंसिक। डिजीज कैन बी कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ प्रेजेंट होती है या इनबॉर्न भी कहलाती हैं, जिस डिजीज के साथ बच्चे का जन्म होता है, दे आर नॉट इजीली क्यूरेबल, हमेशा दे आर नॉट इजीली, अगर जेनेटिक होगा तो दे आर नॉट इजीली क्यूरेबल, एग्जाम्पल थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक होता है, तो ये इस तरीके से आसानी से ठीक नहीं होता है। Disease on the basis of impact can further be classified as acute and chronic disease. Disease को हम further दो और category में classify कर सकते हैं, acute disease and chronic disease. Acute disease का मतलब होता है lasting for a short time. डिजीज विच इज लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है विच इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उसे क्या कहा जाता है, क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है, ठीक है, एनी डिजीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच ऑफ अ लाइफ टाइम,
कई बार एक लाइफ टाइम तक भी रह सकते हैं वो। एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस, हाथी पाव जिसको कहा जाता है, वो एक क्रॉनिक डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस, ये एक क्रॉनिक डिजीज है। जब क्रॉनिक डिजीज किसी इंसान को या ह्यूमन को अफेक्ट करती है तो वो अपना असर बहुत लंबे समय तक छोड़ के जाती है, बिकॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। बिकॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन लाइक इन ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस होगा, द पर्सन विल हैव लॉस्ट वेट, लॉस्ट एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है, वजन ढल जाएगा उसका, है ना, ये प्रॉब्लम होगी। ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट है, लंबे समय तक छोड़ के जाते हैं। एक्यूट डिजीज, डिजीज दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, जल्दी ठीक भी हो जाता है, एंड डू नॉट लीव मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। डू नॉट नो वेट लॉस, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो क्रॉनिक डिजीज जो है वो पुअर हेल्थ से रिलेटेड है। एक्यूट और क्रॉनिक दे ब्रिंग डिफरेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन हेल्थ। ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन हेल्थ। एक्यूट थोड़े समय के लिए रहती है, ज्यादा समय के लिए रहेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रॉनिक डिजीज कहा जाएगा, है ना। सो डिजीज किस तरीके से दिखती है, डिजीज किस समय फंक्शनिंग या फिर अपीयरेंस बॉडी का अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वॉट डज डिजीज लुक लाइक। इन केस ऑफ डिजीज ईदर द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट और द अपीयरेंस ऑफ बॉडी विल चेंज फॉर वर्स, बुरा असर होगा, गिविंग राइज टू साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, जो हमें लगता है कि बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हेडेक है, कफ है, लूज मोशंस है ना, घाव है, पस भरा हुआ है उसमें, सो उसको लेके हमें क्या लगता है, दे इंडिकेट दैट देयर इज अ डिजीज। दे इंडिकेट दैट देयर इज अ डिजीज बट डू नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज, राइट राइट। पर हमें ये नहीं पता चलता कि डिजीज है क्या। बट डू नॉट इंडिकेट वॉट द डिजीज इज, राइट। हेडेक जो है वो एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या कुछ और भी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी डिजीज की वजह से ही हो रहा, है ना। सो पॉसिबल है कि शायद डिजीज ना भी हो। बॉडी में जो सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं, कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपसे उन सिम्टम्स के लिए पूछेगा, खांसी हो रही थी क्या, छींक आ रही थी क्या, सर दुख रहा था क्या, पेट दुख रहा था क्या, ये सब चीजें जो पूछते हैं। दे गिव अ लिटिल मोर इंडिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। डॉक्टर को मदद करते हैं साइंस और सिम्टम्स समझने में कि शायद ये डिजीज हो सकती है ना, शायद, राइट। सो कॉज कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉडी किसी पर्सन को लूज मोशन है,
हो सकता है वायरस की वजह से, हो सकता है किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हुई हो जिसकी वजह से उस पर्सन को लूज मोशन है ना। जैसे एक बच्चे की मैं आपको बात करती हूँ, दो बच्चे हैं, बेबी नंबर ए एंड बेबी नंबर बी। इन दोनों ने ही खराब पानी पिया, लेकिन ए वाला बच्चा जो है वो बीमार हो गया, लेकिन बी वाले बच्चे को बुरा असर नहीं पड़ा उस पानी का। ऐसा क्यों हुआ? दोनों ने ही जबकि सेम पानी पिया। तो ऐसा हो सकता है, कहा जा सकता है, या ऐसा चांस है कि ए वाला बच्चा हेल्दी नहीं था इसलिए वो बीमार पड़ गया। हेल्दी क्यों नहीं था? हेल्दी इसलिए नहीं था, हेल्दी नहीं था वाई, क्योंकि प्रॉपर फूड नहीं मिला था या प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला था, इसीलिए वो हेल्दी नहीं था, है ना। हम बोल सकते हैं कि हेल्दी ना होना डिजीज का एक लेवल है। लैक ऑफ नरिशमेंट इज वन कॉज ऑफ डिजीज। नरिशमेंट क्यों नहीं था, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों ही को अच्छा खाना मिला हो, लेकिन जेनेटिक डिफरेंसेस होने की वजह से, और एक का जेनेटिक डिफरेंस जो है वो उसको लेस इम्यूनिटी देता है, और दूसरे के जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक्स या जेनेटिक कॉम्पोजिशन उसे ज़्यादा इम्यूनिटी देता है, इसकी वजह से पहला बच्चा जल्दी बीमार पड़ा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस बारे में बोल सकते हैं कि कारण केवल एक नहीं होता है डिजीज का, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक सिंगल डिजीज के लिए भी एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि किसी पैथोजन की वजह से बीमारी हुई सही नहीं है पूरे तरीके से। देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट कैसे स्प्रेड होता है? इन्फेक्शियस डिजीज अगर है, देखो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इन्फेक्शियस डिजीज किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है, जिसे हम पैथोजन कहते हैं। ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या वो माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारी हो सकती है ना। सो माइक्रोब्स कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं, और लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जब किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं हुई है, जेनेटिक्स हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये कुछ एग्जाम्पल है फॉर डिजीज विच आर नॉट इन्फेक्शियस। जैसे वायरस से होने वाली कुछ डिजीज के, अच्छा ईच पैथोजन के डिजीज में डिस्कस कर लूंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पब्लिक और कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ बात करना, बिकॉज अगर पब्लिक और मतलब कि अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, सो आपकी पर्सनल हेल्थ भी अफेक्ट होगी उसकी वजह से। पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। सो पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल्स हेल्थ। इस बात का ध्यान रखना है हमें। कॉज ऑफ डिजीज अभी हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ ली है, किस प्रकार की डिजीज हो सकती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, अक्वायर्ड, कॉन्जेनाइटल। मूविंग ऑन, हम किस तरीके से डिजीज बॉडी पर असर करती है और किससे उसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।